अरबी में करने के लिए दो अल्फाज आते हैं, करना, टू डू एनीथिंग, कोई चीज़ करना, उसके लिए दो लफ्ज आते हैं, फेल और अमल, दो लफ्ज आते हैं। तो करने के लिए दो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, फेल और अमल। मल फ़र्क बैन हादैन अल्लफ़ैन, इन दोनों लफ्ज़ों के दरमियान फ़र्क क्या है? फेल किसको कहते हो और अमल किसको कहते हो? الفعل ايجاد الاثر في الشيء من غير بقع، کسی کام کو یا اس طرح کہیں کسی چیز میں اثر ڈالنا کہ وہ کام فوراً ہو جائے، اس کے اندر تاخیر نہیں ہوتی، اس کو فیل بولتے ہیں۔ جیسے अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील, क्या आपने देखा नहीं कि अल्लाह ने हाथी वालों के साथ क्या किया? फ़अल क्या किया, तो फेल के अंदर यह मफहूम पाया जाता है कि उसके अंदर ताखिर नहीं होती, देर नहीं होती, वो काम फौरन हो जाता है। अल्लाह, यानी इधर अल्लाह तबारक तआला का हुक्म हुआ, उधर छोटे छोटे परिंदों ने झुंड की शक्ल में आकर के थोड़ी ही देर के अंदर, देर नहीं हुई और बगैर देर किए पूरे लश्कर को तबाह बर्बाद कर दिया। जी, तो फेल के अंदर ताखीर नहीं होती, वो काम फौरन हो जाता है। देखो, फरिश्तों के बारे में कहा गया वयफालून मा युमरून, फरिश्तों को जिन चीजों का हुक्म दिया जाता है वो करते हैं। करते हैं का मतलब देर करते हैं क्या? अल्लाह का हुक्म हुआ कि मिन गैर बुत इन, बगैर किसी ताखिर के फौरन अंजाम देते हैं। जी, तो इजादुल अथरीफ शै मिन गैर बुत इन, वो काम फौरन हो जाना, उसमें ताखिर नहीं होती, एक मतलब तो यह फेल का। और इसके मुकाबिल में अमल होता है ईजादुल असरी फी शय मा इंतदादी ज़मान, थोड़ा देर लगता है उसे अमल में। जी, अमल में देरी लगती है और देर के साथ साथ वो काम मुसलसल रहता है। इसी वजह से नमाज पढ़ने के लिए कहा गया है कि ये नमाज एक अमल है। तो अमल का मतलब ये कि एक दफा आप पढ़ने बस हो गया नहीं, ये जिंदगी भर आपको अदा करना है, जिंदगी भर के लिए यह अमल मुस्तमिर रहे, चलते कंटिन्यूस है ये। उसमें कंटिन्यूस नहीं होता कि इसमें फेल में, अमल में कंटिन्यूस होता है, मुसलसल आपको करना, एक फर्क तो ये। और दूसरा फर्क ये है कि अमल अल्लाह की तरफ मंसूब नहीं होता, फेल मंसूब होता है। अल्लाह फाइल है ना कि आमिल। जी, अल्लाह फाइल कदालिक यफअलुल्लाहु मा यशा, नहीं ऐसा नहीं कह सकते कदालिक यअमलुल्लाहु, ला, तो अमल की निस्बत अल्लाह की तरफ नहीं हो सकती, फेल की निस्बत होती है। अल्लाह इस तरह करता है। जी, इस तरह करता है। तीसरा फर्क, फेल जो है ये जानवर और इंसान, आकिल और गैर आकिल दोनों के लिए बोला जाता है, लेकिन अमल सिर्फ और सिर्फ आकिल के लिए बोला जाता, अकलमंद के लिए। इस पर मैं एक इस्तिदलाल करना चाहूंगा, बहुत प्यारा सा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम हैं, कितने साल तक इन्होंने अल्लाह की तौहीद लोगों के सामने बयान की, लेकिन चंद लोग ईमान लाए, तकरीबन 950 साल। जी, 50 साल तो बेसुकूनी के गुजरे, जिसे सना से ताबीर किया गया, और 50 साल सुकून के तूफान आ जाने के बाद, तो उसे आम से ताबीर किया गया, इल्ला खम्सीना आमा फलबिज़ फीहिम अल्फ सनतिन। ये सना जो है, ये 50 साल जो गुजरे, ये बहुत ही 550 साल, लेकिन अगले 50 साल ये सुकून के गुजरे तूफान के बाद। अब वही आ रही है, वो ऊहिया इला नूहिन
انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. الله اكبر. دیکھیں نوح کی طرف یہ وحی کی گئی کہ جتنے لوگوں کو ایمان لانا تھا وہ اب لا چکے, اب کوئی ایک آدمی بھی ہرگز ایمان لانے والا نہیں. لن یؤمن, نیور, بالکل نہیں, کوئی ایمان والا اب نہیں ایمان لانے والا, کوئی ایمان لائے گا. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. یاد رہے یہ جملہ, فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. اچھا یہ یاد رہے, ابھی ہم استدلال کریں گے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا, ایک قافلے نے اٹھا کر کے مصر میں پہنچا دیا, عزیز مصر نے انہیں خرید لیا اور جیل گئے, اور جیل کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مصر کی سلطنت عطا کر دی. اور وہی بھائی جنہوں نے ان کو نیچے ڈالا تھا اسے اللہ نے اوپر کر دیا اور انہیں نیچے کر دیا. قحط پڑا, غلہ مانگنے کے لیے اسی جگہ پہنچے جہاں ان کا بھائی بادشاہ ہے, عزیز مصر ہے, حضرت یوسف علیہ السلام. دیکھتے ہی حضرت یوسف نے پہچان لیا, ارے ارے یہ میرے بھائی. کہا کہ جتنے اونٹ لائے ہیں سب اونٹوں پر غلہ لاد دو, لاد دیا گیا. اور ان سے ملنے کے بعد کہا کہ گھر میں اور کون کون ہے, بھائیوں نے تو پہچانا نہیں ان کو. کہا کہ گھر میں اور کون کون ہے, کہا کہ ایک بوڑھا باپ ہے اور ایک بھائی ہے, ان کا جو سگا بھائی ہے بنیامین. انہیں بڑی خوشی ہوئی کہ کم سے کم میرا بھائی زندہ ہے. کہا کہ اب کے دوبارہ آنا تو اس بھائی کو لے کر کے آنا اپنے, ورنہ غلہ نہیں ملے گا. اب گئے حضرت یعقوب سے کہا, وہ دیکھو غلہ آ گیا اور پیسے بھی واپس کر دیے, بڑا اچھا آدمی, پیسے بھی دے دیے تھے انہوں نے, واپس کر دیے. اور کہا ہے کہ اب کے بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے, ہم اس کی حفاظت کریں گے. کہا تم حفاظت کرو گے جیسے تم نے یوسف کی حفاظت کی. فاللہ خیر حافظ و ارحم الراحمین. پتا یہ چلا کہ کسی بھی چیز کو غیر اللہ کی حفاظت میں نہ دی جائے, اللہ سے یہ کہا جائے میں اپنے بچے کو تیری حفاظت میں دیتا ہوں, میں اپنا مکان تیری حفاظت میں دیتا ہوں, میرے رب میں اپنی دکان تیری حفاظت میں دیتا ہوں. فاللہ خیر حافظ, اس سے بہترین حفاظت کرنے والا کون ہو سکتا ہے. بہرحال بنیامین کو لے کر کے گئے, بنیامین بھی پہچان نہیں سکے, اور حضرت یوسف بنیامین کو اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھ کر پہچان گئے. ولما دخلوا على يوسف آوى, ایک طرف لے گئے تنہائی میں, کہا کہ پہچانتا ہے مجھ میں کون ہوں, میں انا اخو, میں تیرا بھائی ہوں. اندازہ لگائیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو محل میں لے کر کے گئے ہیں, بات کر رہے ہیں, بھائی پہچان نہیں پا رہا بڑے بھائی کو, بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو برابر پہچان رہا. کہا کہ تو مجھے پہچانتا ہے, میں تیرا بھائی ہوں, انا اخو, میں تیرا بھائی ہوں. فلا تبتئس بما کانوا یعملون. مطلب بھائی سمجھ میں آیا, نوح علیہ السلام کے بارے میں جب بات کہی گئی تو کہا گیا فلا تبتئس بما کانوا یفعلون, اور یہاں کہا گیا فلا تبتئس بما کانوا یعملون. تو مل فرق بین الفعل والعمل, بتایا گیا کہ وہاں جو نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہا گیا کہ اب یہ اس طرح بگڑ چکے ہیں کہ ان میں کوئی ایک بھی ایمان لانے والا نہیں ہے, تو ان میں اور جانوروں میں فرق کیا ہے. اے ہے, تو فیل کے لیے جن کے پاس جو جانور ہوتے ہیں غیر عاقل, ان کے لیے لفظ فیل استعمال کیا گیا. نکتہ یہ ملا کہ جس کو توحید کی دولت نہیں ملی, جسے اللہ نہیں ملا, جس نے اللہ کو سمجھا نہیں, اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے کہ جانور تین چیزیں کرتا ہے, کیا کھاتا ہے, انجوائے کرتا ہے, کہتا ہے ٹھیک ہے زندگی ہے اور آگے گزارتے رہیں گے. یہی تین کام تو کافر کا بھی ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا فذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہیہم الامل فسوف یعلمون, انہیں چھوڑ دیجئے کہ یہ کھائیں, اکل ٹو ایٹ, ویتمتعوا ٹو انجوائے, اور ویلہیہم الامل ٹو پلان فار فیوچر, پلان کرنا فیوچر کے لیے, یہ کر لیں گے وہ کر. زندگی کے ایک منٹ کا بھروسہ نہیں ہے, اور خواب دیکھو
इतने लंबे लंबे ख्वाब है। तो ये जानवरों का काम है क्या? अक्ल, या कुलू टू ईट, वह तमत हो टू इंजॉय। ये देखो काफिरों का यही है, जहां भी देखो पिकनिक के लिए जाती है, ये तीन चीजें होती है। यतमत या कुलू व यतमत्तउ व युल्हिमुल अमल, टू ईट टू एंजॉय एंड टू प्लान फॉर फ्यूचर। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में कहा गया कि ए मेरे नबी नूह तुम मायूस मत हो, ये जो फेल कर रहे हैं, फेल ये आकिल और गैर आकिल दोनों के लिए आता है, यानी ये जानवर है ये, इनको अल्लाह नहीं मिला। और मेरा नबी इतने अरसे तक 950 साल इनको बुलाता रहा, लेकिन ये ईमान नहीं लाए, इनमें और जानवर में कोई फर्क नहीं। इसलिए कि फेल आकिल और गैर आकिल दोनों के लिए बोला जाता है, लेकिन अमल सिर्फ आकिल के लिए बोला जाता है। कम से कम इन्होंने भाई को मारा तो नहीं, कत्ल तो नहीं किया, इनको बस कुएं में फेंक दिया था, तब बच बच जाए, मर जाए या बच जाए, इम्कान था मरने या बचने का इम्कान था। और कम से कम वो ईमान वाले थे, ये भाई काफिर थोड़ी थे, अंबिया के बेटे हैं, नबी के बेटे हैं, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। इस वजह से चूंकि ये ईमान लाए हुए थे अपने बाप के दीन पर, लिहाजा ये नूह की कौम के उन लोगों की तरह नहीं थे जो ईमान नहीं लाए। ये फर्क है फेल में और अमल में, जुमला वही है, फला तब तेईस बीमा कानू या फालून, अब फला तब तेईस बीमा कानू या मजून। थोड़ा पानी पिलाओ पानी जी। तो ये फेल और अमल में फर्क है, लेकिन सिर्फ अमल करना काफी नहीं है, अमल करना काफी नहीं है, अमल आपका सालेह होना चाहिए। सालेह, ये सालेह क्या है? अमल आपका सालेह हो, सिर्फ अमल का मुतालबा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं आओ अमल करते हैं, अमल कर, एक पूरी टीम है जो कहती है आइए अमल के मैदान में। अल्लाह सिर्फ अमल करने के लिए नहीं बोलता है, उसके नजदीक अमल की कोई अहमियत नहीं है, शर्त यह है कि वो अमल सालेह हो। सालेह, अब सालेह का मतलब बता दें आपको, ये वो चीज है कि अंबिया तक ने जो लोग सालेह थे उनके गरोह में शामिल होने की दुआ की है। हजरत इब्राहिम खलील, अल्लाह के खलील हैं, वो दुआ कर रहे हैं रब्बे हबली हुक्मं वालहिकनी बिस्सालिहीन, मेरे रब तू मुझे हिकमत अता फरमा और मुझे सालेहीन के साथ मिला दे। सालेहीन कितने बड़े लोग होते हैं, कितने अच्छे लोग होते हैं कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा कि मुझे सालेहीन के साथ मिला दे। अच्छा, और यही हजरत यूसुफ अलैहि सलाम, इनको देखिए जिनकी बात अभी हो रही थी, देखिए अल्लाह ने फरमाया, ये दुआ कर रहे हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, रब्बे कद आतैतनी मिनल मुल्क वअल्लमतनी मिन तावीलिल हदीस फातिर अस्समावाति वल अर्द अंत वलीय फिद दुनिया वल आखिरा, अंत वलीय फिद दुनिया वल आखिरा तवफ्फनी मुस्लिमन वअल्हिकनी बिस्सालिहीन। अल्लाहू अकबर, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी दुआ कर रहे हैं कि मेरे रब मुझे सालेहीन के साथ मिला दे। ये सालेहीन कितने अजीम होते हैं कि उधर दुआ कर रहे हैं हजरत इब्राहिम खलील कि मुझे सालेहीन के साथ मिला दे। मिला देने का मतलब समझते हो? पूरा एक काफिला है, कुछ लोग हैं सालेहीन हैं, वो आगे आगे जा रहे हैं, आगे आगे जा रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह ये जो सालेहीन का काफिला आगे आगे जा रहा है इनके साथ हमें मिला दे, हम इनके काफिले में शामिल हो जाएं। ये इल्हाक का मतलब है, इल्हाक माने मिला दे। कुछ लोग भाई आगे जा रहे हैं, नेक लोग हैं, सालेह हैं, अब हम दुआ कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह ये जो आगे जा रहे हैं नेक लोग इनके साथ हमें मिला दे। अल्हिकनी बिस्सालेहीन, इल्हाक माने मिला देना, वो जो जा रहे हैं। ये किसकी दुआ है? हजरत यूसुफ की। और एक बहुत बड़ा नबी है, कौन? हजरत सुलेमान, जिन्नों के ऊपर हुकूमत, उलमा बैठे हुए हैं। हजरत मूसा अलैहि सलाम को क्या दिया गया था? असा, असा लाठी। और सुलेमान अलैहि सलाम को क्या दिया गया था? मिंसा, असा नहीं, जबकि वो भी लाठी है, सोटा ही है जी। हजरत मूसा को असा दिया गया, असा
डंडा, और हजरत सुलेमान अलैहि सलाम को भी डंडा दिया गया, दोनों के पास डंडा है असा। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहि सलाम के डंडे को असा नहीं कहा गया, मिनसा कहा गया, और हजरत मूसा के डंडे को असा कहा गया। क्यों? इसलिए कि असा में रहमत है और मिनसा में जहमत है। जी, असा में रहमत कैसे? बनी इसराइल ने पानी मांगा, प्यास से मर रहे हैं, मूसा पानी चाहिए। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने उसी असा को पत्थर के ऊपर मारा और 12 चश्मे निकल पड़े। जी, सब पानी पी रहे हैं, पानी पीना रहमत है। जी, और जब फिरौन ने पीछे से हमला किया, पीछे दुश्मन है और आगे समुंदर है, इस तरफ भी मौत है, इस तरफ भी मौत है, हजरत मूसा से अल्लाह ने कहा देखता क्या है, फकुल नज़रिब बियासाकल बहर, वहां हजर के ऊपर मारा गया तो 12 चश्मे निकल पड़े, और यहां कहा जा रहा है दरिया के ऊपर मार, पानी के ऊपर मार, पानी के ऊपर उन्होंने ऐसा मारा, दरिया दो टुकड़ों में फटकर पानी पहाड़ की तरह खड़ा हो गया और बीच में रास्ता बन गया। मैं ये बोलता हूं साइंस कितना आगे निकल चुकी है, जरा बुलाओ किसी साइंसदान को कि दरिया के ऊपर कोई डंडा मार करके रास्ता निकालकर बताए, निकालकर बताए, औकात है किसी साइंसदान की? जी, साइंसदानों का काम है कोई चीज किसी चीज का आविष्कार करना, निकालना, और कुरान का काम है एजाज, मोजिजा है, मोजिजे का मुकाबला नहीं किया जा सकता, साइंस मोजिजे का मुकाबला नहीं कर सकता। जी, आपको मैं लाठी दे दूं कि आप पत्थर के ऊपर मारिए और 12 चश्मे निकल पड़े, आप कर सकते हैं? नो, आप नहीं कर सकते। अच्छा, किसी साइंसदान से कहिए लाठी मार करके दरिया में रास्ता बना दे, औकात है किसी साइंसदान की? बड़े बड़े साइंसदान, न्यूटन, आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग, कितने बड़े बड़े साइंसदान हैं, इनके हाथ में डंडा दे दो, ले डंडा पकड़, मार पत्थर के ऊपर और पानी निकाल, 12 चश्मे निकल पड़ रहे, तो चश्मों का निकलना प्यास बुझाने के लिए रहमत। अच्छा, हजरत मूसा अलैहि सलाम कोहे तूर पर गए, अल्लाह ने सबसे पहले पूछा वमा तिल्का बियमीनिक या मूसा, ऐ मूसा तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? काला ही आसा है, ये मेरी लाठी है, आसा है मेरी, अहुश बिहाला गनमी, मैं इसके जरिए बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूं, बकरियों के लिए पत्ते झाड़ कर आसा के जरिए बकरियों को खिलाना, हजर रहमा रहमत, ये रहमत है। और जब जादूगरों से मुकाबला हुआ और जब जादूगरों ने अपने ताम झाम छोड़े, अपनी रस्सियां छोड़ी, तो ऐसा लगा जैसे ये सब अजदहे आगे बढ़ रहे हो मूसा की तरफ, हजरत मूसा अलैहि सलाम डर गए, अल्लाह ने फरमाया देखता क्या है, अपने आसा को डाल, आसा को डाला गया, इसने तमाम जादूगरों के फेंके हुए जादुओं को निगल लिया गोया, और उनको देख करके हजरत मूसा के इस मोजज़े को देख करके जितने जादूगर मुकाबले में आए थे सारे के सारे सजदे में गिर पड़े, आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, तो गोया ये ऐसा सबब बना है इतने जादूगरों के ईमान का, और ईमान हदी रहमा। अच्छा, तो हजरत मूसा को जो डंडा अता किया गया उसको ऐसा कहते हैं। जी, और हजरत सुलेमान अलैहि सलाम को भी डंडा ही दिया गया था, लेकिन उसको ऐसा नहीं कहा गया, उसको मिनसातुन कहा गया, मिनसा का मतलब नसा यंसो, किसी चीज को आगे पीछे करना, तो वो डंडा लिए रहते थे जिन्नों को, बड़े अड़ियल होते थे जिन लोग, बहुत ताकतवर, उनको डंडे से कहते थे चलो ये पत्थर उठाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, और डंडे से ले जाते थे हाथ करके, फिर डंडे से हाथ करके उनको उनकी जगह पर लाकर छोड़ते थे, नसा और नसी उस महीने को कहते हैं ना कि वो आगे पीछे कर लेते थे हराम के महीनों को, कि ये हलाल का महीना, इनम नसी ज्यादा तंकी के ऊपर। जे तो हम कहां से चले थे? जी, तो हजरत सुलेमान अलैहि सलाम इतने बड़े पैगंबर हैं कि अल्लाह ताला ने जिन्नों पर उनकी हुकूमत अता की थी, डंडे से उनको ले जाते थे, काम करवाते थे, और डंडा चाबुक ले करके, जो जैसे चाबुक होता है उसका डंडा था, ला करके उनके अपनी जगह पर छोड़ते थे ला करके, इस वजह से उसको मिनसा कहा गया। वो दुआ करते हैं, ए हे हे, कब दुआ की उन्होंने, तो देखो وقالت نملة يا ايها حتى اذا اتوا على واد النمل قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين الله اكبر حضرت سليمان عليه السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں چونٹیوں کی ایک بستی تھی तो चींटियों की रानी ने कहा ए चींटियों
सब अपने अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि लाशौरी तौर पर सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें कुचल न दे। चींटी का अकीदा बताया गया, चींटी का अकीदा यह है कि मुसलमान जानबूझ करके चींटी नहीं मार सकता तो वो टेरर क्या कर सकता है, लिहाजा इस्लाम के ऊपर टेररिज्म का इत्तेहाम फकत इत्तेहाम मुजर्रद इत्तेहाम जी, कुछ नहीं सब विषय कुछ नहीं हो जी। चींटी का अकीदा बताया गया कि मुसलमान जानबूझ करके चींटी को नहीं मार सकता, इसलिए चींटी बोल रही है अपने अपने घरों में घुस जाओ। अब घर नहीं का, घर नहीं का मस्कन का, मस्कन सुकून की जगह, और घर मस्कन कब बनता है, जब औरत अच्छी, नहीं तो घर बैत हो जाता है, घर हो जाता है। घर सुकून वाला घर कब बनता है, जब औरत अच्छी है तब मस्कन बनता है। सुकून की जगह को मस्कन कहते हैं, इसमें दर्फ है, दर्फ मकान, उसकी जमा है मसा। तो तुम अपने अपने घरों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें लाशौरी में कुचल दे जी। हजरत सुलेमान अली सलाम ने चींटी की बात सुनकर पहले तो वो मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद हंस पड़े। मैं कहता हूं जूलॉजी, इल्मुल हैवानात, इल्मुल हैवानात पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर होते हैं, जूलॉजी इतनी तरक्की कर चुके हैं, जरा किसी जूलॉजी पढ़ाने वाले प्रोफेसर को बुलाओ और बोलो ये चिड़िया क्या बोल रही है, ये चींटी क्या बोल रही है, बता सकता है क्या? नहीं बता सकता। हजरत सुलेमान, ये मौजजा है, ये एक नबी है जो चींटी की बात समझ रहा है, दुनिया का कोई साइंसदान बताए कि मैं बता सकता हूं कि ये चींटी क्या बोल रही है। दिस इज अ मिरेकल, मिरेकल है ये, मौजजा है ये। चींटी की बात सुनकर पहले तो मुस्कुराए फिर हंस पड़े और दुआ की, قال رب اوزيني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي, اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ان نعمتوں کے اوپر شکر ادا کر سکوں جو تو نے میرے اوپر کیا ہے اور میرے والدین کے اوپر کیا ہے جی, وان اعمل صالحا ترضى, اور میں ایسا نیک عمل کروں, عمل صالح کروں جس سے تو راضی ہو جائے, وَادْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ, اور تو مجھے صالحین کے زمرے میں داخل کر دے۔ سلیمان علیہ السلام اتنا بڑا پیغمبر ہے, وہ بھی دعا کر رہا ہے کہ مجھے صالحین کے قافلے میں شامل کر لے, مجھے یہ صالحین کون ہوتے ہیں, کچھ لوگ تو ہیں ایسے, اس کا مطلب ہے کچھ عظیم لوگ ہیں, اتنے بڑے بڑے نبی دعا کر رہے ہیں کہ ان کے زمرے میں میرا شمار ہو جائے جی۔ اچھا اور ایک بات اور, آدمی का असल दौर ये जवानी से शुरू होता है जी, जवान हो गया, ये जवानी कब तक रहती है, कुरान हकीम बताता 40 साल तक। चलिए वायर पढ़ते, ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها حتى اذا بلغ شده وبلغ 40 سنه قال ربي اوزيني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين۔ اللہ اکبر۔ ہم نے وصیت کی انسان کو کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے, اچھا ماں کے ساتھ سلوک زیادہ کرے, اس لیے کہ وہ تین حقوق ایسے ادا کرتی ہے بچوں کے, تو باپ نہیں ادا کر سکتا, پیٹ میں رکھتی ہے, دودھ پلاتی ہے, اور پیدا کرتے وقت دنیا بھر کی تکلیف اٹھاتی ہے, یہ تین کام مرد نہیں کر سکتا, لہٰذا آٹومیٹیکلی تین درجے ماں کے بڑھے ہوئے ہیں جی, تین درجے باپ ماں کے باپ سے بڑھے ہوئے ہیں۔ ایک نکتہ یہاں اور یاد رکھو, سانس روک کر سنو تو بتاؤں, ماں کا حق بڑا ہے, ماں کا حق بڑا ہے مگر باپ کی عظمت بڑی ہے جی, عظمت اس کی, ماں کا حق بڑا ہے لیکن عظیم کون ہے اس میں, عظیم باپ ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں باپ کی قسم کھائی ہے, ماں کی قسم نہیں کھائی جی۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد, والد کی قسم کھائی اللہ نے, ماں کی نہیں جی۔ تو ماں کا حق بڑا ہے مگر عظیم کون ہے, بڑا کون ہے؟ ایک ڈاکٹر صاحب تھے, ملیریا ڈاکٹر تھے, وہ ہمارے گھر پہ آیا کرتے تھے, تو ان کے بچے کچھ نافرمان تھے, تو میری والدہ کہتی تھی ارے کاہے نے بلا لیے تھو ان کا لڑکا کہے گھر چھوڑ کے چلا گئے, ماں کتنا روتی ہوگی,
बुला लो। तो डॉक्टर साहब ने क्या कहा, अम्मा ने ये मेरे कहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और उसको बुलाते नहीं हो आप, भगा दिए घर से भाग गए, तो माँ कितना रोती होगी, माँ के कदमों के नीचे जन्नत। डॉक्टर साहब ने कहा मानता हूं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, मगर उस जन्नत तक पहुंचने के लिए बाप का जूता रास्ता दिखाता है, तो जन्नत तक पहुंचे कैसे? तो बाप का जूता जरूरी है जन्नत, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है मगर बाप का जूता उस जन्नत तक पहुंचने का रास्ता हमवार करता है। लिहाजा माँ का जो हक है वो तो हक है ही, बाप का भी हक बहुत बड़ा है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत मगर बाप जन्नत तक पहुंचने का रास्ता हमवार करता है। माँ जरा नर्म होती है, बाप भी अगर वैसे नर्म हो जाए तो बच्चे कैसे हो जाए, जैसे आजकल के नौजवान वैसे हो जाते। तो हजरते नूह और हजरते सुलेमान अलैहिस्सलाम, दीगर लोगों का आपने कहा कि उन्होंने क्या क्या दुआएं की हुई। अल्लाह ने फरमाया हत्ता इदा बलगा शुद्दहु, यहां तक कि जब जवान हो गया, वह बलगार बईन सना, जवान हो गया और 40 साल को पहुंचा। ये देखिए जवानी से लेकर 40 साल तक का जो दौरानिया है, जो वक्फा है, यही वक्फा दर हकीकत जवानी का वक्फा होता है जी। और इस जवानी की इबादत अल्लाह तबारक व ताला को इतनी पसंदीदा है कि अपने नबी के जरिए ऐसे नौजवान की फजीलत बयान फरमाई है। चलिए वो हदीस देख लेते हैं। हदीस इस तरह वा नबी हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉल सबातु युज़िल्लुहुम अल्लाहु फी ज़िल्लि यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु अल-इमाम अल-आदिल व शाबुन नशाब फी इबादतिल्लाह व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद व रजुलानि तहाब्बा फिल्लाहि इस्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि व इमरातुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ालत इन्नी अख़ाफ़ु अल्लाह व रजुलुन تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه رواه مسلم في كتاب الزكاة حضرت ابو هريرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سات آدمی اللہ کے سائے میں ہوں گے اللہ کے عرش کے سائے میں جب اس کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا اور سورج ایک دم قریب آ جائے گا معمول اتنی دور ہے گرمی کا یہ عالم ہے सूरज एकदम करीब आ जाएगा आदमी परेशान हो जाएगा और अपने अपने अमल के एतबार से आदमी पसीने में डूबा हुआ होगा कोई टखने तक कोई घुटने तक कोई नाफ तक कोई गर्दन तक और कोई उसी में डुबकियां ले रहा होगा इतनी गर्मी होगी यहाँ तो खाली पसीना छूट जाता है वहाँ आदमी पसीने में गर्क हो जाएगा। अब ऐसे मौसम में ऐसे वक्त अगर साया मिल जाए और वो भी अल्लाह के अर्श का तो क्या कहने। उसमें एक है अदल करने वाला प्रधान, अदल करने वाला हुक्मरा, अदल करने वाला इक्तदार साहिब इक्तदार, और वो नौजवान जिसने अल्लाह की इबादत जवानी में की हो। बुढ़ापे की जवानी, बुढ़ापे के वक्त की भी बातें, बुढ़ापे के वक्त का भी अमल अल्लाह कबूल करता है, मगर ये जो जवानी का वक्त है पूरे का पूरा, इसमें अल्लाह तबारक व ताला को एक नौजवान की इबादत बहुत ही ज्यादा पसंदीदा, बहुत ही ज्यादा महबूब कि उसे अल्लाह के अर्श का साया नसीब होने वाला है। तो जवानी की तारीफ यहाँ की गई और बताया गया कि यह वक्त ऐसा है कि नौजवान अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में अपनी जवानी को गुजारें। तो हत्ता इदा बलगा शुद्ध हुआ बलगा अरबईन सना, अब आदमी को जब 40 साल का वो हो जाए तो एक दुआ करनी चाहिए उसको जी। वो बताया गया कि 40 साल का हो जाए तो ये दुआ करे قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه, मेरे रब मुझे तौफीक दे कि मैं उन तमाम नेमतों का शुक्रिया अदा कर सकूं जो तूने मेरे ऊपर किया है, मेरे वालिदैन के ऊपर किया है, और मुझे तौफीक दे कि मैं अमल करूं صالح जिससे तू राजी हो जाए, और وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين, और अपने रहमत की वजह से तू मुझे सालेहीन के अंदर दाखिल कर दे। देखो आदमी से काजर हर आदमी ये दुआ करे कि सालेहीन के जुमरे में दाखिल हो जाए, सालेहीन के काफिले में शामिल हो जाए जी। तो सिर्फ अमल काफी नहीं है बल्कि अमल के साथ सालेह की भी कदर जरूरी है। अच्छा अभी सालेह को छोड़ दीजिए,
अमल की कितनी अहमियत है उस सिलसिले में मैं चाहता हूं कि दो एक हदीस आपके सामने पेश कर दूं। हदीस हदीस इस तरह वन अब्दुल्लाह इब्न अबी बकर قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثه فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع اهله وماله يتبعه اهله وماله وعمله فيرجع اهله وماله ويبقى عمله رواه البخاري في كتاب الرقى कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी जब मर जाता है तो तीन चीजें उसके पीछे चलती हैं, उसके अहल, उसका माल और उसका अमल। दो चीजें लौट आती हैं, तीसरी चीज जाती है। माल वो तो खिसकने के लिए तैयार नहीं है, तिजोरी वही करिए, वो कहती है जा निकल, मैं तेरे साथ एक इंच जाने के लिए तैयार नहीं हूं, जा। मकान बोलता है बाय हुक और बाय क्रुक, हलाल और हराम किसी भी तरीके से तूने यह बंगला बनाया हुआ है, तू जा अब यहां से, मैं तेरे साथ एक इंच चलने के लिए तैयार नहीं हूं। कितनी दर्दनाक बात है कि जिसके लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, जिसको बनाने में एक इंच आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है जी। और आप जब तक जिंदा रहते हैं एक से एक गाड़ियों के अंदर चलते हैं, ये कौन सी गाड़ी है फला गाड़ी है, ये कौन सी गाड़ी है फला गाड़ी, कितने की है इतने लाख की है। लेकिन जब मरता है तो एक अजीबोगरीब गाड़ी में जाता है जिसके पहिए ये टायर के नहीं होते, वे इंसानों के होते हो जी, वो कंधे होते हैं इंसानों के। अः तुम्हारी कार में एसी के साथ तुमको नहीं ले जाया जाता कब्रिस्तान, कंधों पर तुमको उठाकर ले जाया जाता जी। तो माल ने तो पहले साथ छोड़ दिया, उसके बाद अहलो आयाल है, बच्चे आते हैं तुमको विदा करने के लिए कब्रिस्तान तक, बस तुमको मनोमन मिट्टी के नीचे दफन करके चले जाते। तो माल तो पीछे रह गया, ये बेचारे आए थे वफा निभाने के लिए, ये भी अब चले गए तुमको तुम्हारे हाल पे छोड़ के। अब मनोमन मिट्टी के नीचे वहां कौन है तुम्हारा, अमल आकर के खड़ा हो जाता है, घबराना नहीं। माल ने साथ छोड़ दिया तो क्या हुआ, अहल ने साथ छोड़ दिया, अहलो अयाल ने साथ छोड़ दिया तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं जन्नत तक तुम्हारे साथ हूं, अल्लाहु अकबर। और जो तुम्हारे साथ जाने वाला है उसके बारे में हमारा कोई भी वक्त गुजरता नहीं, अमल के मैदान में हम पीछे और माल और अहलो अयाल में लगे हुए हैं, जो आपके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। और जो आपके साथ जाने वाला है वयबका अमलुहु, आपका अमल आपके साथ जाने वाला बाकी रहने वाला है, उसकी तरफ आपकी कोई तवज्जो ही नहीं। ये इंसान की सबसे बड़ी बदनसीबी है, जो जाने वाला है अमल। अच्छा, ये अमल जो होता है ये सालेहियत, ये मरने के बाद भी काम आती है। चलिए वो हदीस पढ़ लेते हैं। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم في كتاب الوصية حضرت امام مسلم رحمه الله اس حدیث کو ایسی کتاب الوصية میں لایا راوی حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے دے غور کریں अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, इंसान मर गया तो उसका अमल खत्म। बाबा बाबा दो मेरी बिगड़ी, अरे बाबा के बारे में हदीस कह रही है कि आदमी जब मर गया तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसका अमल खत्म हो गया। और तुम्हारी बिगड़ी बनाना, औलाद देना, तुम्हारी मुश्किल कुशाई करना, फरियाद रसी करना, ये अमल है। और इंसान जब मर गया तो उसका अमल खत्म हो गया, तुम्हारे लिए वो कुछ भी नहीं कर सकता जी। और एक बात याद रखो, जो मर जाए वो मुश्किल कुशा नहीं हो सकता, जो अपनी मौत को नहीं रोक सकता वो आपको क्या दे सकता है। कितने लोग मर गए हैं और लोगों ने उनके आस्ताने बनाकर वहां उनके सामने सर पटकना शुरू कर दिया है कि दीजिए, अरे जो अपनी मौत नहीं रोक सकता वो आपको क्या अता कर सकता है, क्या दे सकता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इदा मातल इंसान इनकता अमलुहु, इंसान मर गया
तो उसका अमल उससे मुनक़ते हो गया, वो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, तीन चीजें मरने के बाद भी जाती रहती हैं जी। कौन सी? एक तो सदक़े जारिया है। आप कोई नेक काम करके गए हैं, उस नेक काम से कुआं खोदवा दिया, कोई सराय बना दी, जब तक लोग उससे फायदा उठाते रहेंगे तब तक मरने के बाद आपको उसका फायदा पहुंचता रहे। वो इल्म छोड़ करके गए हैं जिससे लोग नफा हासिल कर रहे हैं, इसका सवाब भी मरने के बाद आपको मिलने वाला है। और वलदिन सालिहिन यदू लहू, ऐसी औलाद जो सालिह हो वो तुम्हारे लिए दुआ करे, तो इस सालिह औलाद की दुआ पाने दो। इस सालिह औलाद की दुआ ये कब्र तक पहुंचने वाली है, तुम्हारे आमाल और तुम्हारे रिफाते दराजात के बारे जी। तो यहां भी देखो अव्वलदिन सालिह, तो आपको क्या करना है, लड़के को नेक बनाना ना, सालिह बनाइए, सालिह। और सालिह अगर नहीं बनाएंगे, आज लड़के जो बिगड़ रहे हैं उनके बिगाड़ में मां बाप का हाथ ज्यादा, और मां बाप में सबसे ज्यादा हाथ बाप का है। तो लड़कों को नेक बनाओ, सालिह, जिनके जुबरे में दाखिल होने के लिए, जिनके काफिले में दाखिल होने के लिए इन बड़े बड़े अंबिया कराम ने दुआ फरमाई जी। इमाम, अच्छा एक बहुत प्यारी बात कहने जा रहा हूं, अगर गौर से सुनिए तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। हम लोग जब किसी से मिलते हैं और वो कहीं जा रहा होता है तो कहते हैं जरा हमारे लिए दुआ कीजिए, हमारे लिए दुआ कीजिए, बराबर है? अब ये बात जहन में आ गई, हम दूसरों से कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करो। अच्छा आइए वो हदीस देखते हैं, बड़ी प्यारी हदीस है, इस बात को जहन में रखकर। हदीस इस तरह, वान शकीक इब्न सलमत कौल قال عبد الله رضي الله تعالى عنه قلنا اذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل السلام على فلان وفلان فالتفت الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذا صلى احدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رواه البخاري في كتاب الصلاة حضرت امام بخاري رحمه الله اس پوری حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب الصلاة کے اندر لائے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی کے پیچھے نماز پڑھتے ہوتے تو ہم کیا بولتے تھے السلام علی جبریل سلامتی ہو جبریل پر سلامتی ہو میکائیل پر سلامتی ہو فلاں پر سلامتی ہو یہاں تک کہ ہم کہتے تھے السلام علی اللہ سلامتی ہو اللہ پر سلامتی ہو اللہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارے اللہ پر سلامتی ان اللہ ہو السلام ان اللہ ہو السلام فالتفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اللہ ہو السلام فاذا صلى احدكم فليقل اللہ تبارک و تعالیٰ سلام، اسے سلامتی کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو یہ کہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین سلامتی ہو ہمارے اوپر اور اللہ کے تمام صالحین بندوں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اگر تم یہ دعا پڑھتے ہو فَإِذَا قُلْتُمُوهَا اگر تم اس کو بولتے ہو تو اصابت کل عبد للہ صالحین فی السماء والارض آسمانوں اور زمینوں میں جتنے بھی اللہ کے صالح بندے ہیں سب کو یہ دعا پہنچ جاتی ہے۔ تو آپ کو یہ کیا کہنے کی ضرورت ہے کہ میرے لئے دعا کرو، تم صالح بن جاؤ، تمام لوگ تو نماز میں تمہارے لئے دعا کر رہے ہیں نا، آپ کو دعا پہنچ رہی ہے۔ کیا؟ فَإِذَا قُلْتُمُوهَا جب یہ کہہ دو گے السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین سلامتی ہو ہمارے اوپر اور اللہ کے تمام صالحین بندوں پر، جب یہ دعا تم نے کر دی تو زمین اور آسمان میں جتنے بھی صالح بندے اللہ کے سب کو یہ دعا پہنچ گئی، سلامتی میں رہے سب کے سب۔ تو صالح بنو نا، صالح بنو، آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میرے لیے دعا کرو، ہر نماز میں آپ کے لیے دعا ہو رہی ہے، کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے صالح کے لیے، صالح آدمی کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اس کے لیے نمازوں میں دعا کی جا رہی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا
कि जब ये आदमी कहता है नमाज में फैदा कुल तुम, तो अल्लाह के तमाम सालेह बंदों को ये दुआ पहुंच जाती है, वो बंदे चाहे आसमानों में हो चाहे जमीन। असाबत कुल अब्दिल्लाह सालेहिन फिस्समाई वल अर्ज। एक वाकया है कुरान में, बहुत गौर से सुनिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफा तकरीर की, तकरीर बहुत अच्छी थी। पूछा गया अंत आलम अंतल आलम वाली लर्फ, आप दुनिया के सबसे बड़े आलिम हैं? हजरत मूसा ने कह दिया हाँ मैं सबसे बड़ा आलिम। हकीकत यही थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को उनका यह अंदाज पसंद नहीं आया। कहा कि मेरा एक बंदा रहता है दो दरियाओं के संगम पर, वहां जाकर मुलाकात करो, उससे पता चलेगा कि इल्म किसको कहते हैं। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक साहब को यूशा इब्न नून को लेकर के जाते हैं और मजमूल बहारे में उनसे मुलाकात करते हैं। कहां आए हैं आप? कौन? मूसा। अच्छा मूसा बनी इसराइल, बनी इसराइल के मूसा। बोले हाँ। कहा कि किस लिए आए? बोले आपके साथ रहकर इल्म हासिल करना चाहता हूं। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा शर्त यह है कि मेरे साथ रहकर सब्र करना पड़ेगा और तुम सब्र नहीं कर सकते। लॉ हो कहा कि नहीं नहीं मैं सब्र करूंगा। जब बहुत ज्यादा इसरार किया कहा ठीक है चलो। कहते हैं कि एक दरिया के उस पार जाना हुआ, कश्ती खड़ी थी, दोनों कश्ती में बैठ गए। कश्ती जब बीच भंवर में पहुंची तो हजरत खजिर जो है तख्ते उखाड़ने लगे। फिर क्या कर रहे हैं आप? कहा खरकता आप तख्ते उखाड़ रहे हैं, अरे जितने बैठे हुए सब डूब कर मर जाएंगे। हजरत खजिर ने कहा मैंने कहा नहीं तो सब्र नहीं कर पाओगे। क्यों बोले? मैंने बोलने से मना किया था। कहा कि ठीक है गलती हो गई अब नहीं बोलूंगा। आगे गए कश्ती से उतरे, एक गांव के पास से गुजरे, एक लड़का था, लड़के को पकड़ा, उसकी गर्दन मरोड़ दी, मरोड़ करके फेंक दे नीचे, मर गया वो। हजरत मूसा ने कहा अकतलत नफ्सन ज़कियतन बग़ैर नफ्स लक़द जीत शय्यन नुकरा, अरे आपने क्या कर दिया? قال علم اقول لك انك لن تستطيع معي صبرا। हजरत खजिर ने कहा मैंने कहा नहीं था कि तुम मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकते। दो मतवा हो गया, तीसरी मतवा बोल रहे हैं अच्छा अब के अगर मैंने कुछ बोला तो फिर मुझे निकाल दीजिएगा। ताकि ठीक है, अब बेचारे आगे गए, शाम हो गई थी, बस्ती वालों से कहा कुछ खाना वाना दे दो। इस्तामा, दोनों ने खाना मांगा, इसका मतलब दोनों इंसान है। वो कहते हैं जिन तय फरिश्ता तो खाना खाता नहीं और जिन को उस खाने की जरूरत नहीं, तो दोनों ने खाना मांगा, इसका मतलब दोनों इंसान है, लेकिन अलग अलग इल्म दिया गया दोनों। तो कहा कि खाना दे दो, इसका मतलब यह हुआ कि आदमी मुसाफिर किसी बस्ती में जाए तो मुसाफिर का हक बनता है कि बस्ती वाले उसे खाना दें, और अगर ना दे तो मांग ले लाओ। खाना नहीं दिया, उन्होंने इतने बखील इतने बदमाश थे ये बेचारे, कहीं पड़े रहे रात में, सुबह जब उठे जब चलने लगे तो गांव में से गुजरे तो देखा कि एक घर है उसकी दीवार उगिरा चाहती है। जिदारन युरीद अन यनकज़ा, दीवार है यानी वॉल रेडी टू कोलैप्स, बिल्कुल वो दीवार गिरने वाली है। हजरत खजिर आगे बढ़े और उन्होंने ताकत लगा करके उस दीवार को सीधी कर दिया। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो गुस्से में थे ही, खाना नहीं मिला था, और आदमी भूखा हो और खाना ना मिले, और वो भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसा जोशीला पैगंबर तो गुस्से में आ जाएगा। कहा कि दीवार क्यों सीधी की? काल लौशीत लतखस्ता अलैहि अजरा, पैसा ले लेना था। एक तो इन्होंने खाना नहीं खिलाया हम लोगों को, भूखा रखा, दूसरे आपने इनका काम कर दिया तो काम किया तो पैसा ले लेना था, लौशीत लतखस्ता अलैहि। हजरत खजिर ने कहा रफरा को बहनी वो बहनी, चलो चलो अब जाओ, मेरे साथ रहकर मैंने कहा नहीं तो सब्र नहीं कर सकोगे, फिर बोल पड़े तुम। अब हजरत मूसा ने कह दिया था कि तीसरी मरतबा बोलूंगा तो छोड़ देना मेरा साथ, चला जाऊंगा मैं। जब जाने लगे मायूस होकर के, तो हजरत खजिर ने कहा वो तीनों चीजें मैंने क्यों की हैं, इसका माना तो समझते जाओ, मतलब समझते जाओ। कश्ती को मैं क्यों उसके तख्ते उखाड़ रहा था, मतलब समझते जाओ। मैंने उस बच्चे की गर्दन क्यों मरोड़ दी, मार क्यों डाला, मतलब समझते जाओ। मैंने वो दीवार क्यों सीधी की घर की, मतलब समझते जाओ। लॉ, एक होता है सामने की चीज को देख करके कोई फैसला करना, ये इल्म मूसा को था, लेकिन हजरत खजिर को वो इल्म था कि उस पोस्टर के पीछे क्या है,
हजरत मूसा को दीवार नजर आ रही है, लेकिन हजरत खजर दीवार के नीचे क्या है वो देख रहे हैं। अल्लाह ने वो इल्म अता फरमाया था, किसी साइंसदान के पास नहीं वो इल्म, देख कर बता दे कि यहाँ क्या है। अल्लाहु अकबर, कैसे कैसे बोलूं मैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काश मूसा सब्र करते तो न जाने कितने इल्म के अजाइबात हमको सुनने में मिलते। उन्होंने तीन ही मामले में बात खत्म कर दी बोल बोल करके। तो कहीं कहीं ऐसा होता बोलना नहीं चाहिए ज्यादा, नहीं तो मामला खराब हो जाता। इन्होंने बोल बोल करके मामला खराब कर दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, काश मूसा खामोश रहते तो इल्म के न जाने कैसे कैसे अजाइबात हमारे सामने आते। कहा कि वो जो तख्ते उखाड़ रहा था, मैं खराब कर रहा था, आगे एक जालिम बादशाह रहता है, वो कोई अच्छी कश्ती देखता है ना तो गसब कर लेता है। तो मैंने उसको खराब कर दिया ताकि वो देखे कि भाई कश्ती उल्टी पलटी है, खराब है, जान दे खल्ले वल्ले जान दो इसको, और अगर खूबसूरत रहती तो वो ले लेता था। अच्छा, एक नुक्ता और मालूम हुआ कि किसी बड़ी खराबी से बचने के लिए छोटी खराबी को बर्दाश्त कर लेना चाहिए। तालीम है, घर में बाहर से ताला लगा हुआ है, सुना है, घर में बाहर से ताला लगा हुआ है, आप ताला तोड़कर किसी के घर में दाखिल हो सकते हैं? नहीं ना, नहीं जा सकते जी, नहीं दाखिल हो सकते। लेकिन घर में आग लग गई हो तो लोग चिल्ला रहे हो, इजाजत है आपको कि ताला तोड़े और अंदर घुस जाए। देखो, हालात बदलने से मसला बदल जाता है, हालात बदलने से मसला बदल जाता है। अब आप ताला तोड़कर घर में घुस सकते हैं और उन लोगों को जो घरों में हैं, जलने मरने वाले हैं, उनको निकाल करके सेफली महफूज जगह पर पहुंचाना है आपको जी। दो नेता खड़े हुए हूं इसमें किसी पोस्ट के लिए, किसी इख्तदार के लिए, दोनों हैं उनमें देखो कि दोनों तो खराब हैं, मगर जो कम खराब हो उसी को जिता दो। यानी बड़ी खराबी से बचने के लिए छोटी खराबी को बर्दाश्त कर लिया जाए, ये तालीम है यहां पर, यहां तालीम है। वो तख्ते उखाड़ दे रहे हैं, छोटी खराबी है, नहीं तो पूरी कश्ती चली जाती, आगे चल करके वो जालिम पूरी कश्ती ले लेता था। तो बड़ी खराबी से बचने के लिए छोटी खराबी बर्दाश्त कर लोगे? वो नेता जो कम खराब है, जो बड़ा खराब है, बहुत ज्यादा खराब है उसको छोड़ो, छोटा जो कम खराब है उसको जिता दो, पानी पिला दो जरा। और वो लड़का जिसकी गर्दन मैंने मरोड़ दी, मार डाला, जानते हो क्यों? इसलिए कि ये लड़का, इसके माँ बाप दोनों ईमान वाले हैं, ये इतना बदमाश है आगे चल करके अपने माँ बाप के ईमान के लिए ये आजमाइश बन जाता। नुक्ता ये मिला कि बेटा मर जाए चलेगा, मगर ईमान ना जाए। ईमान इतनी कदर कीमत वाली चीज़ है जी, बेटा चला जाए कोई परवाह नहीं, ईमान हाथ से ना जाए। फकाना अबवाहु मुमिनैन फखशीना अन युरहिकहुमा तुग्यानन व कुफ्रा जी। नुक्ता ये मिला कि ईमान इतनी कदर कीमत वाली चीज है कि बेटा अगर दांव पर लग जाए तो लगा दो, मगर ईमान हासिल हो जाए। और इंसान के नजदीक बेटे की बड़ी कदर कीमत होती है, वो बुढ़ापे का सहारा होता है, बुढ़ापे के सहारे को हाथ से जाने दिया जाए लेकिन ईमान हाथ से न जाने का, ये तालीम दी गई। ईमान इतनी कदर कीमत वाली चीज है। अच्छा, कहा वो जो दीवार सीधी कर दी, जानते हो, वामल जिदर فقال لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما الله। ये जो दीवार है ये इस गांव के दो यतीम बच्चों की है और इन दोनों बच्चों का बाप सालेह था। وكان ابوهما صالحا, इन दोनों लड़कों का बाप सालेह था। हजरत इब्न अब्बास इस आयत करीमा की तफसीर करते हुए कहते हैं, इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह उसकी तफसीर करते हैं, قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما في قوله وكان ابوهما صالحا قال حفظا بصلاح ابيه بصلاح ابيها الله بصلاح ابيهما। इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने इब्न अब्बास का यह कौल तबरी के अंदर इस तरह नकल किया है कि ये जो दीवार बच गई वो दो यतीम बच्चों की थी, वो घर दो यतीम बच्चों का था जिसकी दीवार गिरा चाहती थी और उस दीवार के नीचे बाप ने खजाना गाड़ रखा था, अगर वो दीवार गिर जाती तो पूरे गांव वाले वो खजाना लूट लेते, मैंने दीवार सीधी कर दी ताकि
इन यतीम बच्चों को उनके बाप का जमा हुआ खजाना मिल जाए, और इन दो बेटों को, यतीम बेटों को जो ये खजाना मिला इस वजह से कि बाप नेक था, अल्लाह बाप साले था। आज कहते हैं लोग कि भाई बेटे के लिए बैंक बैलेंस छोड़ जाओ, बेटी के लिए बैंक बैलेंस छोड़ जाओ। अरे अल्लाह के बंदो, बेटे के लिए बैंक बैलेंस छोड़ गए अगर नेक नहीं है, सवाले नहीं है, तो तुम्हारी जमा पूंजी चार दिन के अंदर उड़ा देगा। तुम नेक बनो ना। देखो बाप की नेकी की वजह से बेटों का कितना बड़ा फायदा हुआ। इसी वजह से एक मुफस्सिर कहता है कि नेकियां नस्लों में मुतवारिस होती हैं, नस्लों में चलती हैं। अगर बाप नेक होता है तो बेटों को उसका फायदा पहुंचता है। नेकियां नस्लों में चलती जी, नेकियां मुतवारिस होती हैं, चलती है। हफीजा बिसलाह अबीहिमा, अपने बाप के सलाह की वजह से, सवाले होने की वजह से उनको ये खजाना मिल गया, वरना दीवार गिरती और खजाना पूरे गांव वाले लूट लेते थे जी। सवाले आ देगा वकाना अबूहुमा सवाले, पता ये चला कि अगर आप सवाले हैं तो आपके सवाले होने का फायदा आपके बेटों को मिलने वाला है, तो आप सवाले बनिए ना। वकाना अबूहुमा सवाले जी। तो मन अमिल सालिहन, सिर्फ अमल काफी नहीं है, एक अमल के लिए सवाले होना जरूरी है। सवाले होना, सवाले किसको कहते हैं वो देख लेते हैं। सवाले महासिन तावील लिलकासिमी, एक मुफस्सिर गुजरे हैं, उनकी किताब है महासिन तावील तफसीर में, उन्होंने तफसीर की है कि العمل الصالح هو التابع لكتاب الله وسنة رسوله وهو على ايمانه على الموت। ये देखिए, आदमी अमल करे तो सुन्नत के मुताबिक अमल करे और ईमान की हालत में करे, और ये ईमान मौत तक होना चाहिए, मुर्तद ना हो जी। अगर आदमी कोई अमल करता है अगर नबी के बताए हुए तरीके के मुताबिक नहीं है तो सालेह नहीं होता। दलील, दलील यह हदीस पाक, वान अबी वाइलिन अन हुज़ैफा रा रजुलन ला युतिम रुकूअहु वला सुजूदहु फलम्मा क़ज़ा सलातहु क़ाल लहु हुज़ैफा तुमा सल्लैत क़ाल बअहसहु क़ाल लौ मुत्ता मुत्ता अला ग़ैर सुन्नत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहुल बुख़ारी फ़ी किताबिस सलाह। हज़रत इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाह इस हदीस को ऐसी किताबुल सलाह के अंदर लाए। हजरत हुज़ैफ़ा ने देखा कि एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, सुन्नत का तरीका क्या है कि रुकू कायदे से किया जाए। पूरी जिंदगी आदमी नमाज पढ़ता रहता, उसको रुकू दुरुस्त नहीं होता। रुकू कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पीठ इतनी सीधी हो कि लो सुब्बल माऊ वाला जहरी लस्ता कर रहा, कि अगर पीठ पर पानी डाल दिया जाए तो पानी रुक जाए। इस तरह रुकू कोई करता है तो जिंदगी भर तो नमाज में रुकू नहीं करना आता है हमें। ये आदमी रुकू बराबर नहीं कर रहा था, सजदे बराबर नहीं कर रहा था, इतनी गलती थी। जब नमाज खत्म किया उसने, क्या कर रहे थे, बोले नमाज पढ़ रहे थे, बोले नमाज सुन ली था। अरे वो तो नमाज पढ़ ही रहा था ना। हजरत हुज़ैफ़ा बोले तूने नमाज ही नहीं पढ़ी। रावी कहते हैं मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने ये कहा कि लो मुत्ता मुत्ता अला गैर सुन्नत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तू इसी हालत में मर गया ऐसी नमाज पढ़ते हुए तो तेरी नमाज सुन्नत रसूल पर तो नहीं होगी, तेरी मौत सुन्नत रसूल पर नहीं होगी जी। देखो नमाज पढ़ रहा, अमल कर रहा है कि नहीं, अमल है, मगर अमल चूंकि सुन्नत के मुताबिक नहीं है, लिहाजा अमल नाकाबिल कबूल है जी। चलिए एक हदीस और ले लेते हैं इस बात को मुदल्लल करने के लिए कि अमल होता है मगर सवाले ना हो तो कबूल नहीं होता। हदीस, हदीस इस तरह, वहां नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉल ان الرجل لا يصلي 60 سنه وما تقبل له صلاه لعله يتم الركوع ولا يتم السجود ويتم السجود ولا يتم الركوع رواه المنذري في الترغيب والترهيب وقال الالباني هذا حديث صحيح। हदीस सही है और इसे इमाम मुनज़िर रहमतुल्लाह अलैह तरगीब और तरहीब के अंदर लाया है। रावी हजरत अबू हुरैरा हैं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी 60 साल नमाज पढ़ता है। कितना? अल्लाह उससे पूछ रहा है नमाज पढ़ी, कयामत में तो सबसे पहले नमाजी के बारे में पुरसिश होने वाली है। अल्लाह पूछता है नमाज पढ़ी, बोले हाँ पढ़ी, अल्लाह को मालूम है, पूछ रहा है कहा कितना पढ़ा, बोले सित्तू न सनतन यानी फॉर 60 ईयर्स, 60 साल मैंने पढ़ा।
कहा जाएगा उमर तुम बनू लो सला तुम, तेरी हर नमाज के ऊपर लाल निशान है, एक भी नमाज कबूल नहीं होती। अमल है लेकिन कबूल नहीं है ना, अमल मौजूद है, सिर्फ अमल काफ़ी नहीं है जी, अमल काफ़ी नहीं है, अमल का सवाल होना जरूरी है, सुन्नत के मुताबिक होना जरूरी है, और सुन्नत के साथ साथ सुन्नत के मुताबिक भी पढ़े मगर अल्लाह के लिए ना हो, किसी को दिखाने के लिए करे, तब भी यह अमल काबिल कबूल नहीं है। तो हुआ ताबे किताब अल्लाह व सुन्नत रसूल, अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक। तो अच्छा, तो अमल जरूरी है, अमल के साथ साथ सवाले होना जरूरी है, और सबसे आखिर में जो सबसे अहम है, सवाले भी अमल तब भी नहीं जाएगा जन्नत में जी, ये सबसे बड़ी बात है, अमल सवाले भी फिर भी जन्नत में नहीं जाएगा, हाँ नहीं जाएगा। دليل دليل يا حديث پاک وانا ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجي احد منكم عمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال لا وانا قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه سدد وقارب وقد وروح وشيء من الدلج والقصد القصد القصد والقصد القصد تبلغ رواه البخاري في كتاب الرقاق حضرت امام البخاري رحمه الله عليه حديث پاک کو ایسے ہی کتاب الرقاق کے اندر لائے ہیں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کا عمل اس کو جنت میں نہیں داخل کر سکتا۔ ارے پھر عمل جنت میں نہیں لے جائے گا، کیا سوال ہی کیوں نہ ہو؟ صحابہ نے حیرت سے کہا قالوا ولا انت یا رسول اللہ، آپ کا بھی عمل آپ کو جنت میں لے جا سکتا، اس لیے کہ نبی جو کرتا ہے وہ تو سوال عمل ہوتا ہے نا، تو نبی سے پوچھ رہے ہیں نبی آپ کا عمل بھی آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتا، قال ولا انا ہاں میں بھی، تو الا یتغمدنی اللہ برحمت، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مجھے اپنی آغوش میں نہ لے، اللہ کا رحم سب سے بڑی چیز ہے، لہذا جب دعا مانگو تو اللہ کا رحم مانگو، میرے رب ٹوٹی پھوٹی عبادت ہو گئی ہے، اللہ کی راہ میں تھوڑا یا زیادہ دے دیا ہے، میرے رب اب تیرے رحم کا طالب ہوں، میرے رب اپنے رحم سے چھوٹی موٹی چیز کو قبول کر لے، اس لیے کہ اگر کسی عمل میں اللہ کا رحم نہ ہو جی تو وہ قبول نہیں ہوتا، رحم کی وجہ سے قبول ہوتا ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر جتنے اعمال ہیں سب لمیٹڈ ہیں اور جنت کی تمام نعمتیں ان لمیٹڈ ہیں، تو لمیٹڈ ان لمیٹڈ کا بدل کیسے ہو سکتا ہے، لمیٹڈ لمیٹڈ کا بدل ہوتا ہے جی، اور جنت کی نعمتیں ان لمیٹڈ ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کو لمیٹڈ اعمال کے بدلے میں انلمیٹڈ نعمتیں دے دے تو اللہ کا رحم ہی تو ہوا جی۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، پانی پلاؤ ذرا سا، مثال دیتا ہوں، ایک بلینئر نے ایک بنگلہ بنایا، غور سے سنو، بنگلہ بنایا بہت خوبصورت، اور اعلان کر دیا کہ میں یہ بنگلہ نیلام کرنے والا ہوں، آئے کروڑ پتی ارب پتی لوگ میرا بنگلہ خریدیں، تمام کے تمام بڑی بڑی کاروں میں آ کر کے بنگلے کے سامنے کھڑے ہو، بولی لگاؤ، بولے ایک کروڑ، دوسرا بولتا ہے دو کروڑ، تیسرا بولتا ہے تین کروڑ، آخری بولتا ہے دس کروڑ۔ یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ وہ جو بنگلے والا تھا وہ گھومتے گھومتے وہ گیٹ کے اوپر پہنچا، دیکھا ایک میلی کچیلی بڑھیا میلے کچیلے لباس میں وہاں کھڑی ہے، بنگلے والے نے پوچھا اما تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ کہا کہ بچے میرے بیٹے تو نے اعلان کیا ہے نا کہ تو بنگلہ نیلام کرنے والا ہے، میں خریداری ہوں، خریدار ہوں، خریدنے کے لیے آئی ہوں۔ بنگلے والا دیکھتا ہے کہ یہ بڑھیا بدن پر سیدھے سے کپڑے نہیں ہیں، یہ میرا بنگلہ خریدنے کے لیے آئی ہے، جس کو خریدنے کے لیے بڑے بڑے کروڑ پتی اور ارب پتیاں حاضر ہیں۔ کہا کہ اما تمہارے پاس پیسہ کتنا ہے؟ تو اپنا دامن کھولتی ہے میلا کچیلا، کہتی ہے بیٹے دو تین ہزار روپے ہوں گے، دو تین ہزار روپے ہوں گے، یہ دو تین ہزار روپے لے کر کے میرے بیٹے میں تیرا یہ بنگلہ خریدنے کے لیے آئی ہے۔ تھوڑی دیر وہ کچھ سوچتا ہے، اس کے بعد اعلان کر دیتا ہے کہ تمام کے تمام کروڑ پتی اور ارب پتی لوگ چلے جائیں، میں نے یہ بنگلہ تین ہزار میں اس بڑھیا کو دے دیا ہے۔ اللہ، ایسے ہی میرا رب اگر ہمارے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو اگر قبول کر لے اور جنت دے دے تو ایسے ہی ہوا نا کہ اس بڑھیا عورت جس کے بدن پر سیدھے سے کپڑے نہیں، تین ہزار روپے میں اپنا بنگلہ دے دیتا، رحم ہی تو ہے اس کا بنگلے والے کا۔ ایسے ہی
हमारा रब अगर हमारे टूटे फूटे अमलों को देखकर हमें जन्नत दे दे तो ऐसे ही हुआ ना कि हमारे लिमिटेड अमलों के बदले में हमें अनलिमिटेड नेमतें दे दी गई। और कैसी कैसी नेमतें मालूम है, तुम सोच भी नहीं सकते। चलिए वो हदीस देख लेते हैं, फिर बात को खत्म करते हैं। हदीस इस तरह, वा नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر رواه البخاري في كتاب التوحيد। حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب التوحید کے اندر لائے اور حدیث قدسی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے, یعنی اگر نبی کہے کہ میں کہتا ہوں تو حدیث ہے, اور نبی فرمایا اللہ کہتا ہے تو حدیث قدسی ہے۔ سند اگر نبی پر رک جائے رفع کے ساتھ تو حدیث ہے, اور اگر نبی سے آگے بڑھ کر اللہ تک سند پہنچ جائے تو حدیث قدسی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے صالحین بندوں کے لیے, دیکھو یہاں بھی صالحین کی قید ہے, عادت لعبادی الصالحین, میں نے اپنے صالحین بندوں کے لیے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں مالا عین الرات کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, مالا عزن ولا عزن سمیت کسی کان نے سنا نہیں, ولا خطر علی قلب بشر آدمی سوچ بھی نہیں سکتا, آدمی کے دل میں خیال بھی نہیں آیا۔ بتاؤ کسی بھی خوبصورت سے خوبصورت شے کو آپ دیکھتے ہیں, چلو آپ نے دیکھا نہیں لیکن سنا تو ہے, سنا بھی نہیں لیکن آپ سوچ تو سکتے ہیں کہ یہ چیز اتنی زیادہ خوبصورت ہو سکتی ہے۔ حدیث میں بتایا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے, جب آپ جہاں تمہاری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے جنت کی نعمتوں کی بیوٹی شروع ہوتی ہے۔ جی یہاں ایک لڑکا ایک لڑکی کے پیچھے پاگل رہتا ہے, خودکشی تک کر لیتے ہیں۔ ارے ان لڑکیوں کے پیچھے پڑو ہاں جنت میں جن سے شادی ہونے والی ہے آپ کی, اور مہر یہی عمل صالح ہے, نیک عمل کرو۔ ایسی لڑکیاں ہیں کہ اگر تھوک دے تو دریا کا پانی میٹھا ہو جائے, خوبصورت لڑکیاں ہے ان کے پیچھے پڑو۔ یہ تو سب بیکار ہے, سب 60-70 سال, منہ پل پلا, دانت نہیں ہے, تھوک ہے, نیٹا ہے, نیٹا ہے, بات ہے نیٹا ہے, نیٹا نیٹا ہاں۔ اور وہاں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, جتنی عورتیں ملنے والی ہیں سب پاک کی ہوئی, پاک نہیں پاک کی ہوئی۔ من المطہر, اللہ, کون پاک کرنے والا؟ اللہ۔ اور اللہ جس چیز کو پاک کرے اس میں گندگی ہو سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, اور جتنی چاہو گے سب ملیں گے۔ وہ کہتے چار باتیں, یہ سب کی ضرورت نہیں ہے, جتنا چاہو گے اتنا مل جائے گا, اور جو چاہو گے سب ملیں گے۔ اللہ نے فرمایا وفیہا ما تشتہی الانفس, اس کے اندر جو تم چاہو گے, تمہارا دل چاہے گا, نفس چاہے گا, سب ملے گا۔ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے جنت کے اوپر, تو انہوں نے یہی آیت پڑھی وفیہا ما تشتہی الانفس, جنت میں وہ تمام چیزیں ملیں گی جن کے تمہارے دل چاہیں گے۔ تمہارا ایک آدمی بیٹھا ہوتا, بولے مولوی صاحب یہاں رک جائیے, ایک سوال کرنا ہے۔ بولے کرو۔ بولے آپ بولے جنت میں سب چیزیں ملیں گی۔ بولے ہاں ملیں گی۔ بولے حقہ ملے گا؟ حقہ پیتا تھا وہ۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ جنت میں سب چیزیں ملیں گی, حقے کی بات تو کر رہا ہے, حقہ بھی ملے گا لیکن حقے میں آگ ڈالنی پڑتی ہے, جہنم میں آگ, یہ جنت میں آگ نہیں ہے, جہنم سے جا کر آگ لے آنا, حقہ پینا ہوگا۔ تو ایسا ہوتا ہے تو جنت میں تمام چیزیں ملنے والی ہیں جس کا دل چاہے گا۔ وفیہا ما تشتہی الانفس, گویا مقام تکمیل تمنا, مکان تسکین آرزو, صرف اور صرف جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, اور ساتھ میں اپنے رحم کو ملا دے تاکہ ہمیں لمیٹڈ عملوں کے بدلے میں انلمیٹڈ نعمتیں حاصل ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔